माइनी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक मुर्दाबाद। माइनी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे कठुआ मुर्दाबाद। माइनी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। इस कड़ाके की ठंड में कितनी विडंबना की बात है कि इस गूंगी बहरी सरकार पे, इसके कान पे जू नहीं रेंग रही कि आज इस प्रोटेस्ट का 37वां दिन है और हंगर स्ट्राइक का 26वां दिन है। लेकिन फिर से वही बात कि इस गूंगी बहरी सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। बड़े बड़े इसके नेता इस सरकार में जो आज की डेट में एक अपना रुतबा रखते हैं सरकार में, उनका दावा है ये, लेकिन आज इन मासूम लोगों के साथ आकर बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। इनकी इस दुखद घड़ी में इनके साथ कोई खड़ा नहीं है। खड़ा होगा तो वो सिर्फ एक औपचारिकता के तौर पर। कहने का मतलब ये है कि इन लोगों को संतोषजनक बातें सुनाकर, इनको लॉलीपॉप देकर आप कब तक इनको अंधेरे में रख सकते हो। वन पॉइंट एजेंडा है कि हमको यहाँ पे माइनिंग ब्लॉक नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। माइनिंग ब्लॉक को आप लेके यहाँ से बसंतपुर जाओ, आप पीड़िया कंडियाल वाली साइड जाओ, आप नगरी वाली साइड जाओ, आप इस इलाके से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया ना हो वहाँ पे इस माइनिंग ब्लॉक को लेके जाओ। ये हमारी आपके आगे गुजारिश है, जिला इंतजामिया के आगे, यूटी इंतजामिया के आगे, कि आप लोगों को उकसाने का काम ना करें। शांतिपूर्वक ढंग से ये लोग साइड में यहाँ पे आपने वो ब्लॉक इशू किया था वहां पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। लेकिन अगर 36, 37 दिन तक भी जिला के आला अधिकारी इनके पास यहां पर ये संज्ञान लेने के लिए ना आए कि आप लोगों को आखिरकार दिक्कत क्या है, आप लोग क्यों नहीं चाहते कि यहां पे माइनिंग ब्लॉक बने या ना बने, कम से कम जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन के जिला इंतजामिया के बड़े अधिकारी हैं वो कम से कम इनको आकर पूछ सकते हैं कि आप अपनी दिक्कतों का हमारे सामने उनको उजागर करिए ताकि हम उसका निवारण कर सकें। अल्टीमेटली मैंने पहले भी उस दिन कहा था कि जनता जनार्दन होती है, कल को अगर कुछ भी परिस्थिति उल्टी सीधी बनती है जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़े तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी, जहां इस राजनीतिक तंत्र के वो लोग जो आज की डेट में अपने आप को ठेकेदार समझते हैं हमारे समाज का, वो जिम्मेवार होंगे या फिर जिला इंतजामिया जिम्मेवार होगी। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से मैंने उस दिन भी कहा था कि 2400 घंटे अपने लोगों के साथ खड़ा हूं, क्योंकि हमने जीना मरना इस इलाके में है, व्यवस्था हम इस इलाके में रहते हैं, हमको पता है इन लोगों की दिक्कतें क्या हैं, हमारी दिक्कतें क्या हैं, हम लोग यहाँ की मिट्टी के साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हमारा निवास स्थान है, हम यहाँ रहते हैं, हमारा घर है यहाँ पे, यहाँ की टोपोग्राफी के बारे में, यहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में, यहाँ के स्ट्रगल्स के बारे में हमसे बेटर कोई नहीं जान सकता। तो लिहाजा मेरी फिर से कंसर्न डिपार्टमेंट के आगे, जिला इंतजामिया के आगे और यूटी इंतजामिया के आगे और हमारे यहाँ के सेंटर में बैठे हुए पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के आगे भी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि सर इसमें थोड़ा सा इंटरवीन करिए और इन लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए, इन लोगों का पक्ष रखते हुए, क्योंकि ये अपने लोग हैं, ये लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अच्छी तरह से वोटिंग की हुई है, तो लिहाजा इन लोगों का ध्यान रखा जाए और इस माइनिंग ब्लॉक को जल्दी से जल्दी कैंसिल किया जाए और यहां से शिफ्ट किया जाए। हमारा वन पॉइंट एजेंडा है। जय हिंद, जय भारत। जी सर, के नाम थोड़ा? मेरा नाम हरनाम सिंह, वार्ड मेंबर शेरकोट जी। मैं ये दिक्कत अज अस 37 दिन होइए इत्थे बैठे दे, साढ़े कोल इसलै कोई भी जिहड़ी सरकार सानू राती फोन करदी ही कि सवेरे गड्डियां लेई आइयो ते असी उसलै सवेरे उठिए ते उस सरकार कोल जिंदे हे। जिहड़े नुमाइंदे अस चुनदे न अज ओह नुमाइंदे कुत्थे न? अज असी उन्हें दिक्खना चाहुंदे आ। जे सानू अज मुश्कल है तो ओह अपने घर बैठे दे न, ओह साडा पता दारी लैने वास्ते नहीं आए। असी इहदा शुक्रिया अदा करने आ जिहड़े रणजीत सिंह साढ़े कोल असीं ठंडू जिथे बैठे दूई बारी साढ़े कोल इत्थे साढ़ा सब दाने वास्तै आइए न, साढ़ी पूछताछ करने वास्तै आइए, लेकिन जुनेगी असें
वोट पाइयै चुनदा और कन्नै होइयै चुना दा, लेकिन अज्ज कोई भी बंदा साढ़े कोई नहीं आया है। लेकिन साढ़े कोला के इहदे वास्ते उन्हें चुने हां असें कि जिहड़ी साड़ी रोजी रोटी है जित्थे असीं बैठ जां अपना रोटी खाने आ, इह साढ़े कोल नहीं आवदे हैन, इहदा मतलब उंदा हत्थ है। असीं अज्ज 37 दिन होइए इत्थे ठंडू च बैठे दे, अज्ज कोई भी बंदा साढ़े इत्थे कोई पददार लैने वास्ते नहीं आया। ओह अपने अपने घर लेटे दे न, सुत्ते दे न, अपने उहदे च मस्त न, लेकिन कल वोट लैन आंगन ते फिर असीं देगे, उन्हें देगे भी किहड़े बंदे न जिहड़े साढ़े कोल अज्ज आवे दे न, ते जां कल असीं उन्हें वोट देने न। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आज हमारा धरना प्रदर्शन पर 37वां दिन है और चेन हैंगर स्ट्राइक का जो है आज 27वां दिन है। आज जो हमारे यहाँ चेन हैंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, एक हमारे बसंत सिंह जी हैं, ये भी शेरकोटला के हैं, और धनतर सिंह जी हैं, ये भी शेरकोटला से हैं। बड़े हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी सर्दी के बीच, इतनी कड़ाके की ठंड, और जहाँ खड्ड के किनारे, जहाँ दिन को ही इतनी हवा चलती है, ठंडी हवाएं चलती हैं, और रात को इतनी ओस पड़ती है कि हमारे बिस्तरे जो हैं वो यहाँ गीले हो जाते हैं, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक जो शेरकोटला सार पंचायत में, सार खड्ड के बीच में जो माइनिंग डिपार्टमेंट ने ब्लॉक लीज पे दिया है, इसको जहाँ से कैंसिल नहीं करते, जहाँ से शिफ्ट नहीं करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज मैं रणजीत सिंह पठानिया जी, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आज ये दूसरी बार हमारे पास जहाँ धरने पर हम लोगों के साथ शामिल होकर और हम का दुख दर्द जो है वो समेटे हुए हमारी सपोर्ट में आए हैं, मैं इनका एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। और इस सरकार को और कठुआ की जो हमारी प्रशासन है, मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि गलतफहमी में मत रहिए आप। आपने सोच रखा है कि ये लोग जो हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, और ये लोग वहाँ बैठे बैठे जो हैं खुद ही एक दिन जो है पीछे हट जाएंगे, हम इनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। लेकिन याद रहे ये लोग जो जहाँ बैठे हैं, ये पूरी PRI जो हमारी यहाँ बैठी है, ये इलेक्टेड बॉडी है, ये लोगों द्वारा चुने हुए लोग हैं, ये किसी का कोई निजी स्वार्थ नहीं है यहाँ पर, ये PRI लोगों ने बनाई है और PRI लोगों की है। अगर लोग हमारे मुसीबत में हैं, लोग हमारे अगर दर्द में हैं, तकलीफ में हैं, दुख में हैं, तो हम उनके साथ हैं। तो उनकी तकलीफ यही है कि जो आपने ब्लॉक बनाया हुआ है, ये ब्लॉक जो है ये उनको मौत नज़र आ रही है। सरकारें इतनी चिंतित हैं कि अगर किसी एक मानव की जान खतरे में हो तो उसको बचाने के लिए सरकारें आगे आती हैं, कि मानव की जो है उसे जान से बढ़कर उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसकी कोई कीमत नहीं दे सकता। तो यहाँ तो पूरे कितने जो सार खाड़ के दोनों तरफ गांव बसे हुए हैं, ये सारे के सारे जो हैं इनकी जान जो है वो खतरे में है। ये इन लोगों को अपना भविष्य जो दिखाई दे रहा है वो मौत सामने दिखाई दे रही है। क्या सरकार आंखें बंद करके बैठी है? क्या आपको इनकी मानव की चिंता नहीं है? क्या कल को ये लोग, इनके जो जान खतरे में है, इसका जिम्मेवार कौन है? कल इनकी जान माल का कोई नुकसान हो जाएगा तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसलिए आपको इस पर विचार करना चाहिए, और सरकार को भी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसके ऊपर जो है वो चिंतित तो होना चाहिए, क्योंकि सरकारें आदेश जारी करती है, ऑर्डर जो है वो ऑर्डर इशू करती है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि ऑर्डर जो है वो सरकार के हित में नहीं होते, सॉरी वो जनता के हित में नहीं होते, और उस पर दोबारा विचार करके उन ऑर्डरों को रद्द किया जाता है, कैंसिल किया जाता है, ताकि जो तकलीफ है जनता को, जो उनके लिए नुकसानदेह है, वो नुकसान ना हो। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से मेरी विनती है कि इस पर पुनः विचार करके इस ऑर्डर को कैंसिल करें, और यहाँ से ये जो ब्लॉक है इसको कैंसिल करके किसी दूसरी जगह शिफ्ट करें। अगर प्रशासन नहीं करता तो उसके बाद क्या करेंगे आप? हमने पहले भी आपसे कहा है कि हम एक जो डेमोक्रेटिक तरीका है और फंडामेंटल हमारा राइट भी है, हम उस हक से, उस राइट से, हम एक पीसफुल ढंग से ये जो है हम जहाँ बैठ के जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
जो कि हमारा राइट है, हमारा हक है, और सरकार को इसको समझना पड़ेगा और इस पर निर्णय लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं लेती तो हमें, मैंने पहले कहा है कि हम मरण वर्त पर भी बैठेंगे।